वसतु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांतिः। तो हम सभी व्यवहार बहानों का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो व्यवहार बहानों के स्वाध्याय में इससे पहले हमने देखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसकी माँ धार्मिक, जिसके पिता सज्जन और जिसके आचार्य गुरु विद्वान और सदाचरण करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। उस मनुष्य की उन्नति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, उसका जीवन बहुत ही अच्छे पथ पर चलता है। और अब अगले प्रश्न के माध्यम से हमको महर्षि दयानंद सरस्वती जी बताएंगे कि किस प्रकार की शिक्षा माता पिता को करनी चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा करें, क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा गुरुजन माता पिता बच्चों की करें? तो उत्तर में आता है नहीं। सबसे पहले क्या उत्तर दिया? नहीं, जैसी चाहे वैसी शिक्षा नहीं करें। तो इनकी जो भाषा है हिंदी भाषा व गुजराती भाषा से थोड़ी प्रभावित है, संस्कृत निष्ठ है। तो लिखते हैं, जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि सुन मेरे बेटे बिटिया, उससे बेकार की बात करें कि तेरा ब्याह कराएंगे, तू इतना बड़ा हो जाएगा तो तेरे लिए ये सब कराएंगे, है ना, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, तुम इसकी इसकी जो है दाढ़ी मूछ पकड़ ले, तू मार पिटाई कर, तो इसको नीचे दिखा दे, इसने तुझे मारा है तो तू इसे भी मार। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माता पिता सिखा देते हैं, वो सिखाते अनजाने में ही है। जैसे कोई बच्चा गिर गया जमीन पर तो कहेंगे इसने तुझे मारा, तुम भी इसको मारो, वो जमीन को पिटाई करवाते हैं, वहीं से बच्चे में संस्कार पड़ गया। अब धरती माँ ने क्या किया, तुमको इसने मारा, इसको मारो। तो इस प्रकार से बच्चों को धीरे 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 अनजाने में ही वो गलत शिक्षाएं देते जाते हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ऐसी शिक्षाएं माता पिता कभी भी ना दें कि तो इसकी जटा पकड़ ले, इसको मार, गाली दे, कपड़ा छीन ले, इसकी टोपी फेंक दे, खेल कूद हंस रो, किसी के ऊपर किसी की कमियों पर हंस, या कोई तुझे अच्छा बताए, तेरे अवगुण बताए, तुझे ठीक करने का प्रयास करे तो फिर रोने लग जा। अगर कोई ऐसी शिक्षा देता है तो उस माता पिता से भयंकर शत्रु और कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसे शिक्षाएं देने से मनुष्य उन्नत तो होता नहीं है अपितु और पशु के समान हो जाता है। पशु क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अपने से बलवान को डरते हैं और कमजोर को डराते हैं, है ना। जब मन होता है उधर उठते बैठते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, जब भूख लगी तब खा लिया ना कुछ। ईश्वर की ओर से एक प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी है, लेकिन मनुष्यों के समान उनको स्वतंत्रता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जो माता पिता ऐसा करते हैं वो वास्तव में शिक्षा नहीं करते अपितु कुशिक्षा करते हैं। क्या करते हैं? कुशिक्षा करते हैं। उन माता पिता और आचार्य नहीं समझना चाहिए, उन्हें क्या नहीं समझना चाहिए, ना तो वो माता पिता कहलाने लायक हैं। और यदि कोई गुरु भी हमें ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों में समय व्यर्थ करते हैं तो उनको आचार्य भी नहीं समझना चाहिए। गुरु और माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने संतानों और शिष्यों को अच्छी शिक्षा देकर उनके जीवन को उन्नत बनाए। देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं ये कि संतान और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं वो माता पिता और गुरुजन।
पक्के शत्रु हैं और दुखदायक हैं। कौन? माता पिता और गुरुजन, जो बच्चों से इस प्रकार की बातें करते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा जो मन कर रहा है बेटा तू वही कर। लेकिन जो माता पिता बच्चों की बात मान लेते हैं ना, वो बच्चों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माता पिता ने कहा ठीक है कोई नहीं बेटा, आज रहने दे जाने को। तो वो माता पिता बहुत बड़े शत्रु हैं। आज हमारा मन नहीं कर रहा है जो है घर का बना भोजन खाने का, आज तो हमारे लिए बाहर का भोजन मंगाओ, सड़ा गला रोटी, पता नहीं जो जो बोलते हैं उसको, पिज्जा आदि वो मंगा दो। माता पिता वही मंगा के खिला रहे हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं है कि इसको पौष्टिक तत्व पूरे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ये अभी छोटा बालक है, इसके शरीर पे तो वृद्धि होनी है, इसके अंग प्रत्यंगों को विकसित होना है, वो भी नहीं, स्वाद के वशीभूत होकर खिलाए जा रहे हैं। तो उनके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी बोल रहे हैं कि उन माता पिता से बड़ा शत्रु उन बच्चों का कोई नहीं है। और ऐसे आचार्य जो अपने शिष्यों को जो मन में आए करने देते हैं, उन आचार्यों को आचार्य कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे माता पिता को माता पिता कहना ही नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी। कोई जन्म देने मात्र से माता पिता नहीं होता है, माता पिता बनने के लिए अच्छे संस्कार होने और विवेक होना आवश्यक है ना। कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो है, ये माता पिता और आचार्य क्यों नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, ना तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहकर धन्यवाद के पात्र कभी भी नहीं हो सकते। जो अपने ही सामने जो मन में आए करने दे रहे हैं, निर्लज्ज होने दे रहे हैं, यथेष्ट बकने दे रहे हैं, कुछ भी खाने पीने दे रहे हैं और उनकी अवनति में कारण बन रहे हैं, उन्नति में सहायक नहीं बन रहे अभी तो, अवनति में कारण बन रहे हैं, ऐसे माता पिता जो कि अपने संतानों को श्रेष्ठ नहीं बना रहे हैं अभी तो, नीचे गिरा रहे हैं, ऐसे माता पिता वास्तव में माता पिता कहलाने योग्य नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। और जो अपने अपने संतानों और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके अनुरूप स्वरूप का यथावत बोध करा और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ाने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति भी जना देवे, अर्थात सिखा देवे, कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हो, वे ही माता पिता और आचार्य कहलाते हैं, कहने के योग्य हैं। कौन आचार्य और माता पिता कहलाने के योग्य हैं? जो मनमानी करने दे या जो सही ढंग से हमको अच्छी बातें बताएं। हाँ, कि जो ईश्वर की उपासना करना सिखाएं। ईश्वर की उपासना करने सिखाने वाले तो बुरे लगते हैं ना, क्या हमको आंखें बंद करके बिठा दिया, पर वास्तव में वही आपके लिए उत्तम है। जो आपको यथेष्टाचारी होने के लिए कहते हैं, ईश्वर की उपासना से विमुख करते हैं, वो आपको और आपके जीवन को उन्नत करने के लिए सहायता नहीं कर रहे होते अभी तो, वो आपके लिए विघ्न बन रहे होते हैं। और धर्म अधर्म का बोध कराएं, क्या धर्म है क्या अधर्म है ये आपको सिखाएं, वो असली माता पिता और गुरु कहलाने योग्य हैं। प्रमाण और प्रमेय को सिखाएं कि आखिर प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाखंड क्या है, और वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध कराएं। वेद शास्त्र के लक्षण बताएं कि कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, कौन से शास्त्र नहीं पढ़ने योग्य हैं। जैसे कई बार हमने आपको मना किया है ना, कि जैसे हम देखते हैं कि आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वो अच्छी नहीं है, या आप न्यूज़पेपर में कोई एक ऐसा पेज निकाल के पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थियों के तनिक भी अनुकूल नहीं है, तो मना करते हैं। तो वास्तव में जो ये हमको सिखाए कि विद्यार्थी काल में कैसी कैसी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए,
किन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र है ही नहीं, वो तो मनोरंजन के साधन मात्र है। हमारा मनोरंजन भी किस प्रकार का होना चाहिए जो ये सब कुछ सिखाते हैं, वास्तव में वो अच्छे माता पिता और अच्छे गुरु होते हैं। और साथ ही साथ देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शास्त्र कंठ करने में तकलीफ होती है कि नहीं होती है, एकाग्रता बनानी पड़ती है, और एकाग्रता की स्थिति हमारी होती नहीं है, हमारा अभ्यास होता है चंचलता करने का। तो जब हम अपना अभ्यास एकाग्रता बनाने के लिए करते हैं तो कष्ट होता है, मन विचलित होता है, आत्मा विचलित नहीं होती। कौन विचलित होता है? मन विचलित होता है, क्योंकि मन को अभ्यास होता है चंचलता करने का, ठीक है? तो उस समय हमें कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो याद कराने वाले व्यक्ति के प्रति भी हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार करते हैं, है ना, ये सब कुछ करने लग जाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को, संतानों को वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराएं। क्या कंठस्थ कराएं? वेद और शास्त्रों के वचन। तो ये जो हम आपको कंठस्थ कराते हैं, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उपनिषद, गीता, दर्शन, वेद, ये सब हम अच्छा करते हैं खराब करते हैं? लेकिन तुरंत तो अच्छा नहीं लगता, अभी भी सबने नहीं बोला, अच्छा करते हैं या गलत करते हैं? लेकिन आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है? तुरंत तुरंत खराब लगता है। पर क्या वो आपके जीवन के लिए खराब है? नहीं है। तो तुरंत चाहे वो चीज हमें बुरी भी लगे, लेकिन बुद्धिमानी से हमको उसके आगे के परिणामों को देख करके, समझ करके कि आगे जीवन में ये हमारे लाभ के लिए ही है, उसको और अधिक मेहनत से कर लेना चाहिए। तो वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ाने और आचार्य के अनुकूल रहने की जो शिक्षा देते हैं। कुछ माता पिता होते हैं तो वो कहते हैं, अच्छा आपके आचार्य जी कुछ कहे ना तो हमें फोन जब करोगे ना तब बताना, फोन करके बताना। और जो डे बोर्डिंग वाले होते हैं उनकी तो और समस्या, कि सुबह गए और शाम तक आकर के टीचर की सारी शिकायत बता दी घर में आकर के। और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, जो बच्चों को समझाते हैं कि देखो आपने गलती की होगी तभी उन्होंने आपको कहा, आप गलती करना ही छोड़ दो तो अध्यापक आपको कहना भी छोड़ देंगे, है ना। तो एक माता पिता ने तो ये सिखाया, दूसरे में माता पिता अगले दिन, चलो तुमको मेरे बच्चे को कैसे कह दिया अभी बताते हैं। तो वो माता पिता नहीं है, वो अपने ही बच्चों के शत्रु होते हैं, है ना वैष्णवी जी, वो क्या होते हैं? अपने ही बच्चों के शत्रु होते हैं। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो सिखाएं कि गुरुजनों के अनुकूल, यानी कि गुरुजनों के अनुकूल एक ही कार्य होता है, एकाग्रता से विद्या अध्ययन करना और उसके अनुकूल आचरण करना। और जो गुरुजन गलत प्रकार की शिक्षाएं देते हैं वो तो गुरु है ही नहीं, वो गुरु कहलाने योग्य ही नहीं है। और इससे होगा क्या, जब माता पिता ये शिक्षा देंगे कि गुरुओं के अनुकूल रहा करो, तो होगा क्या, विद्या प्राप्ति आदि के प्रयोजन जो है वो निर्विघ्न सिद्ध होंगे। विद्या कैसे सिद्ध हो सकेगी? अच्छी ही, वे ही माता पिता और आचार्य कहलाने योग्य हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयत। माता शत्रु के समान है, कौन सी माता? ये न बालो न पाठिता, वह पिता भी शत्रु के समान है, कौन? ये न बालो न पाठिता, जिसके द्वारा बालक को सिखाया नहीं गया है। क्या नहीं सिखाया गया है? विद्या नहीं सिखाई गई है, शिक्षा नहीं की गई है, संस्कार नहीं सिखाए गए हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सम्मान देना, प्रियाचरण करना, सत्य बोलना, ये सब जिस माता पिता ने अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को, संतान को नहीं सिखाया है, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है ना। तो जिस माँ ने, जिस पिता ने अपने संतान को ये नहीं सिखाया है, वह किसके समान है? शत्रु के समान है। न शोभते सभा मध्य, वो जो विद्यार्थी या वो जो संतति है ना, वो सभा के मध्य उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता
जैसे बहुत सारे हंसों के बीच में बैठा हुआ एक बगुला अच्छा नहीं लगता। हंस भी सफेद होते हैं, बगुला भी सफेद होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। हंस हंस होता है, बगुला बगुला होता है। ऐसे ही दिखने में तो सब मनुष्य ही हैं। किसी के चेहरे को देख करके, किसी की तस्वीर देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन जो है वो सुशिक्षित और संस्कारी है और कौन जो है वो शिक्षित नहीं है और संस्कारी नहीं है। नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबका शरीर एक जैसा बनाया है। कब पता चलता है? एक श्लोक और भी याद आ रहा है मुझे, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, उनमें भेद क्या है? आप भी मनुष्य हैं, राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य है। दोनों का यदि सामान्य चित्र जो 10 तीर आदि बनाए जाते हैं वो ना बनाए जाएं, राम और रावण का एक सामान्य सा मनुष्य रूप का यदि चित्र देखा जाए, मनुष्य के रूप में देखा जाए, तो राम के पास भी 2 आंखें थी और रावण के पास भी 2 आंखें थी। वो 10 जो दिखाए जाते हैं ना सिर, वो प्रतीक है उसके अवगुणों के, है ना। वास्तव में रावण के कोई 10 सिर नहीं थे, ठीक है। तो जैसे राम के पास 2 हाथ हैं, वैसे रावण के पास भी 2 हाथ हैं। और कोई अगर इस बात को ना मानता हो तो आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि ये जितने भी आतंकवादी होते हैं इनके किसी के 10-10 हाथ होते हैं क्या? नहीं होते ना, 10 सिर होते हैं क्या? और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास उतना ही होता है। मनुष्यों के पास सबको भगवान ने एक जैसा शरीर दिया है, एक ही मस्तिष्क दिया है, एक जैसी प्रकृति दी है सबको। 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग गिनती में सूर्य दिए हैं क्या? एक ही सूर्य सबको दिया है, एक ही चंद्रमा सबको दिया है, एक ही धरती सबको दी है। ऐसा है क्या कि यदि एक आतंकवादी बीज बोए तो आम की जगह नीम निकल आएगा? ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी प्रकृति ने सब कुछ एक समान दिया है। तो को भेदः पिककाकयोः, ऐसे ही अच्छे और बुरे मनुष्य में भेद कैसे पता चलता है? खाली चेहरे से पता नहीं चलता। फिर वसंत समये प्राप्ते काकः काकः, जब वसंत का समय आता है ना, ऐसे ही जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब मनुष्यों का भेद खुल जाता है। जब वसंत का समय आता है ना और कौवा बोलना शुरू करता है और कोयल मीठा मीठा बोलना शुरू करती है, तो पता चल जाता है ना कि काले होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बोलने से पता चल जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। कौवे को हर कोई उड़ा देता है, क्या काँव काँव कर रहा है, इसको उड़ाओ। और कोयल, कोयल को सब चाहते हैं कि थोड़ी देर आए, बैठे, कूके। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अच्छा लगता है जब कोयल कूकती है तब, और कौवा कान पे आकर के काँव 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 करने लग जाए तो? क्यों श्रेया जी, अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। सामान्य रूप से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आकर के काँव काँव करने लग जाए। तो ऐसे ही अच्छे और बुरे मनुष्यों की पहचान भी उनकी वाणी से, उनके उठने बैठने से हो जाती है, उनके आचरण से हो जाती है। कहते हैं ना, आपकी वाणी आपने बोली और भेद खुल गया, फिर कोई भेद बचा नहीं रहता। तो इसीलिए केयु राणी न भूषयंती पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजाः। अगली पंक्ति बहुत सुंदर है, वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, शीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। सारे आभूषण क्षीण हो जाते हैं। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो कभी भी क्षीण नहीं होता, उसके द्वारा मनुष्य की पहचान हो जाती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि जो हमको अच्छी बातें सिखाए वास्तव में वही हमारे शुभ चिंतक होते हैं। कभी मारना पड़े तो मार भी दे, कभी डांटना पड़े तो डांट भी दे, कभी झिड़कना पड़े ना कि नहीं ऐसा नहीं करना तो आपको रोक भी ले, वही अच्छा मित्र होता है। अन्यथा यदि कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे ना
तो समझ लेना एक दिन वो आपको हाँ में हाँ मिला करके गर्त में गिरा देगा। तो हर समय हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। तो हमने ये देख लिया कि वास्तविक माता पिता और आचार्य जो होते हैं सच्चे अर्थों में, उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और कैसे उनको बरतना चाहिए, है ना। अब आगे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के विद्या की प्राप्ति के उपाय क्या हैं। आप सब जानना चाहते हैं विद्या प्राप्ति के उपाय क्या हैं? सबको जानना है, ठीक है। तो विद्या प्राप्ति के उपाय के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि विद्या किस किस प्रकार और किन किन कर्मों से आती है, किन किन कर्मों से होती है। तो विद्या प्राप्ति करने के क्या प्रकार हैं और कैसे कैसे आचरण करने से विद्या आती है, इस विषय में बताते हुए उत्तर देते हैं। चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, चार प्रकार से विद्या जो है वो उपयुक्त होती है, अच्छी प्रकार से हमसे जुड़ती है, हमको अच्छी प्रकार से आती है। वो चार प्रकार क्या है? पहला आगम कालेन, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल और चौथा व्यवहार काल। आगम काल का मतलब क्या है? जब गुरुजन हमको विद्या सिखा रहे होते हैं वह क्या कहलाता है? आगम काल। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसके ऊपर अपने आप विचार करके आना, स्वाध्याय करना। तो जब हम अपने आप बैठ करके विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्वाध्याय काल। फिर तीसरी बात है प्रवचन कालेन। तो जब हम एक दूसरे को बताते हैं, पढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसको आजकल की शैली में, आजकल शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए कई तरीके अपनाते हैं ना, मेथड्स यूज करते हैं। तो उसमें एक मेथड होता है ये आपका ग्रुप डिस्कशन या पीयर लर्निंग। तो ये उसी प्रकार की बात है कि जब आप बैठ करके ग्रुप में, एक वर्ग में दो तीन चार विद्यार्थी बैठ करके चर्चा करते हैं कि आज क्या पढ़ाया गया था, यहाँ ये बात कही गई थी, इस बात का क्या अर्थ है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जब इस प्रकार की चर्चा ही करते हैं तब विद्या आती है। ये कौन सा स्तर है विद्या का, कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप है प्रवचन कालीन और चौथा है व्यवहार कालीन, कि वह जो जानी हुई विद्या है जब हम उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो वो वास्तव में विद्या का अंतिम सोपान है। ऐसे ही एक श्लोक भी है कि जो विद्या का, यदि विद्या को एक वृत्त के रूप में देखा जाए, उसके चार भाग कर दिए जाए, चार पाद बन जाएंगे, ठीक है। तो जो 25-25% में है, यदि उसे 100 को बांट दिया जाए, मान लीजिए उसको हमने 100% मान लिया और उसके चार विभाग किए, तो प्रत्येक जो विभाग है वो कितने का हुआ? 25 का हुआ। तो 25% विद्या आती है आगम काल में। जब कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उस समय कितनी विद्या आ जाती है? 25% विद्या आ जाती है। और 25% और यानी 50% विद्या आ जाती है जब विद्यार्थी स्वयं बैठ करके स्वाध्याय करता है। क्या करता है? अब और उसमें 25% जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ग्रुप डिस्कशन करना होगा, प्रवचन करना होगा या फिर एक दूसरे को पढ़ाना होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं कि स्वाध्याय करने के बाद जब हम चर्चा करते हैं, उस पर अपने विषय को रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, प्रश्न प्रति प्रश्न करते हैं, अपने से छोटों को पढ़ाते हैं, तब कितनी विद्या हमें आ जाती है? 75%। कितने प्रतिशत आ जाती है? 75%, क्योंकि 25% आ गई प्रथम बार में आगम काल में जब हम सुन रहे थे कक्षा में बैठ करके। दूसरी 25% आ गई यानी कि 50% विद्या जब हमने स्वयं से स्वाध्याय किया। तीसरा और 25% जुड़ जाता है जब हमने बैठ करके ग्रुप में, वर्ग में विचार विमर्श किया या अपने से छोटों को पढ़ाया या अपने से बड़ों के साथ भी बैठ करके कभी विचार विमर्श किया, तो हमें कितनी विद्या आ जाती है? 25%, यानी कुल मिला के 75%। तो कुल मिलाकर के इसको बता रहे हैं
कि सिर्फ पढ़ना ही विद्यार्थी का कर्तव्य नहीं है, अपितु अपने से छोटों को पढ़ाना भी प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। कई जैसे कि हम लोग अपने गुरुकुल में किसी बड़े विद्यार्थी को छोटे विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए जब नियुक्त करते हैं, तो कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न होता है, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, हम क्या पढ़ाने के लिए आए हैं? इनके पास टीचर नहीं होंगे इसलिए हमसे पढ़वा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको विद्या अच्छे से आ जाए इसलिए आपको कहा जाता है कि आप भी पढ़ाएं। और 100% विद्या कब आती है? जब हम जानी हुई विद्या का आचरण करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, जब उसका व्यवहार काल में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपको आपकी विज्ञान की कक्षा में सिखाया गया कि हमारे पाचन क्रिया के जो कारक हैं वो कौन कौन हैं और पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप बता सकते हैं पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कोई अगर ऐसा सोचे कि पेट में प्रारंभ होती तो ऐसा नहीं है। तो और फिर आपको आपके अध्यापक ने बताया कि आपको किसी भी पदार्थ को इतना चबाना चाहिए कि वो बिल्कुल पानी बन जाए, अच्छे से चबा करके फिर ही निगलना चाहिए, ये आपको बताया। आपने फिर जाकर के मनन किया कि ये बात तो भाई सही कह रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि वहीं पर वो इतनी अच्छी तरीके से पतला हो जाए भोजन, उसमें लार भी मिक्स हो जाए, उसमें जो और चीज़ें चाहिए क्षारीय तत्व चाहिए वो मिक्स हो जाए, फिर आगे गले से भी भोजन आराम से नीचे उतर जाएगा, पेट में जा करके उसमें जो और एसिड्स मिलने हैं, जो और भी चीज़ें होनी है वो भी आसानी से हो जाएंगी, है ना। पेट की आंतों में थोड़ा कम काम करना पड़ेगा यदि दांतों ने अच्छा काम कर लिया है। तो अब उसने स्वाध्याय कर लिया, फिर बैठ के चर्चा भी करी, तो चर्चा करते समय किसी ने कहा कि हाँ मैं शायद जल्दी जल्दी खाती हूँ ना, इसलिए मुझे जो है अच्छा फील नहीं होता है, भारीपन महसूस होता है, या मेरा पेट बढ़ रहा है, या मेरा पाचन अच्छा नहीं होता है, या मेरा पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, आदि आदि बहुत सारी बातें हुई परस्पर में, हमने चर्चा करी। अब जब विद्यार्थी ने चर्चा करी, परस्पर बातचीत करी, किसी दूसरे को बताया, अब जो चौथा स्टेप आता है, अब उसके मन में आ जाए कि अच्छा ऐसी बात है, तेज तेज से खाना, ठीक से भोजन को ना चबाना, ये क्या इतना हानिकारक है, तब तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। जा करके जब वो भोजनालय में अच्छे से चबा करके खाता है वह विद्यार्थी, तब माना जाता है कि उसको विद्या 100% आई, अन्यथा वो वहीं का वहीं। इसलिए जब हम किसी विद्या का आचरण करते हैं, सीखे हुए बातों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं वास्तव में, तभी वह विद्या चरितार्थ होती है, अन्यथा वह विद्या चरितार्थ नहीं होती है। हम एक मशीन की भांति बन जाते हैं, जैसे कंप्यूटर में जो भी प्रश्न पूछो उत्तर तो आ जाता है, पर क्या कंप्यूटर वैसा करता है? नहीं, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक विद्या का अपने जीवन में उपयोग करें। ओम शांति शांति शांति।